પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા ખાતે સંત નિરંકારી ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશન સંચાલિત સંત નિરંકારી મંડળ દ્વારા મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રક્તદાન કેમ્પમાં 150 જેટલા રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સંત નિરંકારી અનુયાયીઓ જોડાયા હતા. આ કેમ્પના પ્રારંભે અમદાવાદ ઝોન 28ના ઇન્ચાર્જ ધર્મપાલ વિદ્યાબેન નિરંકારી સહિતના મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા. સદગુરુ કા સંદેશ રહા હૈ કે ઇન્સાન કા ખૂન नाड़ियों में बहे न कि नालियों में बहे, क्योंकि जो आज संसार के वर्तमान हालात हम देख रहे हैं कि जो इंसान इंसान का खून बहा रहा है, तो ये प्यार का भाव, मिलवर्तन का भाव को फैलाव मिले. गुरु पीर पैगंबरों ने हमेशा एक प्यार का ही संदेश दिया है, उसको बढ़ावा देने के लिए और जाति पाति के बंधन से ऊपर उठते हुए आज ये निरंकारी भक्त मानव की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं. क्योंकि जैसे दास ने पहले भी बताया कि सतगुरु बाबा जी का जो आह्वान रहा कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, तो आज उसी को साकार मूर्त करते हुए ये भक्त अपना रक्तदान करके मानवता की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं. तो इसी तरह से ही ये गोधरा वासियों के लिए, ये सबके लिए संदेश है कि जो गुरु पीर पैगंबरों के संदेश रहे हैं वो एक सभी के लिए साझा रूप में रहे हैं, तो सभी मिलजुल करके इसी तरह से मानवता के उत्थान में अपना योगदान दे करके सतगुरु की आशीषों के पात्र बन सके. सबसे बड़ी बात यह है विद्याबेन, उनकी टीम यही काम मानवता के लिए अपने गुरु, अपने संदेश और हर देवी देवता और पीर परियों को याद करके करते हैं. हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे खास मौके पर हम लोगों को दावत देते हैं, इन्वेस्ट देते हैं और रमाते हैं. इसका मकसद यही है कि हम सर्वधर्म संभाव का भावना लेकर एक साथ एक ही जगह पर, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना कोई सिख ना ईसाई, हम एक मानव है और मानव ही रहे. और ये संदेश हम भी देते हैं और विद्याबेन के साथ हम हर बार जुड़ेंगे. और आप जो सुन रहे हैं वो भी अगले साल, इस बार नहीं आ सके तो अगले साल आप विद्याबेन के साथ जुड़े, उनकी टीम के साथ जुड़े.